सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में आपको एकदम लेटेस्ट बाजू डिज़ाइन बताऊंगा जो आपने यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखी। तो सो गाइज, मैंने देखी यहाँ पर, ये इस तरह से बाजू की कटिंग करके रखी है। यहाँ पर मैंने बाजू की लंबाई 11 इंच रखी है, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हो। और अब हमें यहाँ पर एक बुकरम का टुकड़ा लेना है, इसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है और चौड़ाई 4 इंच रखी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बुकरम लेनी है और इसको हमें इस तरह से लंबा डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए, हमें इसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर कुछ मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए, हमें पहले आधा इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है और उसके बाद ऊपर भी हमें आधा इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें इनके बीच की लंबाई नाप लेनी है और इसमें हमें दो निशान बीच में बराबर में और लगा देना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से 3 और 6 इंच पर इस तरह से बराबर में 3-3 इंच के दो निशान लगा लिए हैं और उसके बाद हमें इसको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज, मार्किंग हो गई है। मार्किंग होने के बाद में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। गाइज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूवी डिज़ाइनर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी रोज़ लेटेस्ट बाजू की डिज़ाइन की वीडियोज़ लेके आता हूँ। और अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद में हमें इसको कपड़े भी इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। देखिए, मैंने इसको कपड़े भी अटैच कर लिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में, वो हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ देना, बाकी कपड़े को हमें कट कर देना है। और उसके बाद में हमें इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसको इस तरह से बराबर में फोल्ड कर दिया है। और अब हमें यहाँ पर हमारी बाजू लेनी है। तो बाजू को हमें इस तरह से बराबर में रखना है और रखने के बाद में हमें यहाँ पर पहले एक निशान लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक निशान लगा लिया है। उसके बाद में हमें इसको इसके ऊपर बराबर में बीचों बीच इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद में हमें पहले एक बीच में सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी जो डिज़ाइन है इधर उधर हिले ना। तो देखिए, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें यहाँ पर बुकरम की जड़ में जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इस तरह से ये सिलाई लगाई है। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद में हमें इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमें मार्जिन रखना है और मार्जिन रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद में देखिए, हमें यहाँ पर जो गोल राउंड में छोटे छोटे हमें कट्स लगा देने हैं। उसके बाद हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पर सीधा कर लिया है। और सीधा करने के बाद में देखिए, यहाँ पर हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो इसको हमें इस तरह से अटैच कर लेना बराबर में। तो देखिए, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें यहाँ पर लंबे से चौकोर कपड़े लेने हैं। तो इनकी हमें यहाँ पर एक की चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और एक की यहाँ पर लगभग मैंने 4 से 4.5 इंच के आसपास में इसकी चौड़ाई ली है। मतलब हमें एक कपड़े को दूसरे कपड़े से यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ा रखना है। उसके बाद में देखिए, हमें इसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद में कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर हमें इसको इस तरह से नाखून से फोल्ड करते जाना है। अब देखिए, हमें इसको इसके ऊपर इस तरह से बराबर रखना है और जो दोनों कपड़ों हैं उनको हमें इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद में देखिए, यहाँ पर हमें एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ब्लैक कलर की अलग पट्टी डिज़ाइन की निकल चुकी है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। और अब देखिए, हमें यहाँ पर इनके बीच में हमें चुन्नर डालनी है। तो इस तरह से करके हमें यहाँ पर आधा आधा इंच के चुन्नर यहाँ पर बना लेने हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना डिज़ाइन कैसी लगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें यहाँ पर इस सभी जो चुन्नर बनाई इनको हमें इस तरह से हाथ से बराबर में
सही कर लेना है और बाद में आप प्रेस से इसको सेट कर सकती हो। और अब देखिए हमें यहाँ पर ब्लैक कलर के चौकोर कपड़े कट करने हैं, तो इनकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 इंच के आसपास में रखी है और इनको हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हमें डिज़ाइन तैयार करनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन तैयार की है, तो आपको भी इसी तरह से पहले इसको हमें सीधा इस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद हमें एक साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद हमें दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिज़ाइन इस तरह से तैयार हो जाएगी। और अब देखिए हमें इसी तरह से हमें सभी को इस तरह से तैयार कर लेना है। सभी को हमें इस तरह से अलग अलग कट कर लेना है और कट करने के बाद में जो हमने यहाँ पर ये चुनर बनाई है इनके ऊपर इसको इस तरह से हमें लगा लेना है। तो देखिए हमें यहाँ पर जो खुला वाला पार्ट है इसको हमें ऊपर रखना है और इसी तरह से करके हमें इनको सभी को लगा लेना है। तो मैंने सभी को यहाँ पर लगा लिया है और अब हमें इसको इस तरह से एक बार साइड में रख लेना है। और अब देखिए हमें यहाँ पर ब्लैक कलर के कपड़े की डोरी निकालनी है, तो इस तरह से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगा के डोरी निकाल लेनी है। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पर डोरी निकाल ली है और अब हमें यहाँ पर एक प्लेन पेपर लेना है और पेपर पर हमने जो डिज़ाइन कट की थी पहले उसको हमें इस तरह से डबल में रख लेना है। और रखने के बाद में देखिए पहले हमें एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमें इसको इस तरह से वापस से खोल लेना है। और खोलने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिज़ाइन है इसके बराबर में हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो पूरे पे हमें यहाँ पर ये मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये मार्किंग कर ली है और अब हमें यहाँ पर ये डोरियाँ कट करनी है। तो जो पेपर है इससे हमें लगभग 1/2 इंच की लंबाई में डोरी एक्स्ट्रा कट कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ढेर सारी डोरी कट कर ली है और हमें कुछ छोटे पीस भी कट कर लेने हैं। तो इनको हमें इस तरह से पकड़ना है एक दो डोरी को और इसको हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पर हमने जो ये बीच में लाइन ड्रॉ की है तो इसके बीचों बीच हमें इस तरह से इनको लगाना है और यहाँ पर हमें डोरी को इस तरह से लगाते जाना है। तो देखिए मैं आपको लगाना बताऊँगा। तो इस तरह से करके हमने यहाँ पर जो डोरी के अंदर गैप रखा है तो जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के बराबर में हमें यहाँ पर ये डोरी लगाते जाना है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक साइड की डोरी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और इसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरे साइड की डोरी भी बराबर में कंप्लीट कर लेनी है। सो गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, अगर आपको मेरे से किसी भी तरह की बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और अब हमने यहाँ पर जो बाजू तैयार की थी तो इसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो जो हमने यहाँ पर पेन से मार्किंग की थी तो उसी मार्किंग के बराबर में हमें यहाँ पर ये बाजू की सिलाई लगा देनी है। तो पहले हमें यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगानी है, उसके बाद में चाहो तो आप एक बूट की सिलाई और लगा सकते हो। सारा काम पेपर पे करने से थोड़ा इजी हो जाता है काम,
तो अब देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब हमें यहाँ पर ये चुनर जालरी लगानी है। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें इसको इसके ऊपर बराबर में रख लेना है और यहाँ पर हमें एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पर एक बूट की सिलाई और लगा सकती हो। सो गाइस देखिए फाइनली हमारे यहाँ पर बाजू की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाजू की डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हुई है और उसके बाद में यहाँ पर जो पेपर इसको हमें यहाँ से हटा देना है और हटाने के बाद में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये बाजू की डिज़ाइन कैसी लगी। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट एक बार ये कर देना कि आपने इस ऐसे डिज़ाइन पहले कभी देखे है क्या यूट्यूब पे। अगर नहीं देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन की पोस्ट डालता रहता हूँ। तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।